कर रहा हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना।
हमने सबका सब हाथ बताया। अगर आपने बल्कि एक शस्त्रधारी, मेरा नाम हनुमान है और आज पर यह सेवक राजा सुग्रीव बाल या किष्किंधे का निगेवान है, वह भी आपकी तरह कर्दी से जमाने का सताया हुआ है और अपने सगे भाई के हाथों सब तंग आया है। होने के हुक्म से दरिया हाल के लिए आपकी खिदमत में आया था और यह ब्राह्मण का भेष बनाया था। प्रभु, अगर आप सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से काम करने में आसानी होगी। लक्ष्मण हनुमान जी की एक एक बात से सच्चाई, ईमानदारी और शराफत की पुकार रहे हैं। और का तरीका मैं गुप्त गुप्त ऐसा बेग राजा है कि सुनने वाला खाम खाम का हलवान है, बल्कि वेद और शास्त्रों के भी वह पूरे विद्वान है। बेशक आदमी तो बड़े लायक है और हर एक बात में पूरे वायक है। ऐसे काबिल इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते, इसलिए ऐसे आदमी को आज से नहीं गवाना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ, चलिए हम तब स्वीकार है। चलिए प्रभु। प्रभु, यही महाराजा सुग्रीव इस हिंदका के सरदार है, जो कि अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेचार है और इनका नाम निवास स्थान बताइए। महाराज, यह दोनों कौन है? महाराजा धीराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो आपकी तरह जमाने के हाथों सब लाचार है। इनका नाम रामचंद्र जी पुकारते हैं और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। जोड़ो रघु नहीं निगर रहे हो, यह मेरा सौभाग्य है जो आपका किरदार हो गया, बड़ा आज मेरा उदार हो गया और विरासत उस भी मरदार से पार हो गया। सुरेश आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सब आप पर इंतजार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए और कुछ उदासी तो बताइए। यदि हनुमान जी ने कुछ यत्न बताया है मगर फिलहाल कुछ शब्द नहीं सुनाया है। तेरी तेरी किताबें से
समय अपने दो वचनों का एक राग किया था, जिसमें मेरे लिए 14 साल का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राम तक का इशारा किया था। मैंने खुशी से उनका हुस्न जोड़ दिया। देख मिलने में दिलाया आज ही छोटा लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी ने मेरे साथ आने को मजबूर किया। तेरा साथ इसी तरह वनों में घूमते निकल गए और चौथा साथ शुरू होते ही पंचवटी में ढेर डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण और मेरी लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा ले गया। उन्हीं की तलाश में हम जंगलों में पारे पारे फिर रहे हैं। प्रभु प्रभु मैं एक समय मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इतने मैं तख्ते का तख्ता ही रहा, वैरथ दक्षिण की ओर उसमें से गहने निकले। लीजिए प्रभु इनकी पहल जान कीजिए और अपना इत्मीनान कीजिए। हमारे घर विश्व में आ रहे और अपनी प्राण प्यारी को
आज से गवाए बैठा हूं, वरना मुसीबत के लिहाज से मेरी तकलीफें आपसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी जिंदगी के दिन तो बेफायदा है मगर यहां तो हर एक सांस जहर का कतरा है, हर वक्त अपनी जान का खतरा है। भाई लक्ष्मण देख लू करके जेवरिये आगे पड़े कर इनकी पहचान, भाई लक्ष्मण तो ही इनकी पहचान कर रे भाई लक्ष्मण जरा इनकी पहचान कर, ये सीता का कहना भी है या नहीं देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, कभी उसने ये जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े रे जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े हार माला मदिती बजुगनी कड़े जो है सारे तुम्हारे पगारी पड़े, उसके माथे का गहना भी है झूठी मैं कैसे कहूं तुमसे ऐ मंदा, मेरी तो कुछ समझ में आई नहीं बात, मैंने तो चल निहारे हैं देखे मैया प्राता जी, न मैं इन चेहरों को जान सकता हूं और न इनको पहचान सकता हूं, हाँ अगर कोई उनके पांव का जेवर हो तो लाइए और मुझे दिखाइए, मुझे उनकी बखूबी पहचान है।